हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फटाफट विद मी में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक ठंडी सी रेसिपी जिसका नाम है बनाना आइसक्रीम। तो बनाना आइसक्रीम हमको कैसे बनाना है ये आज हम आपको बताएंगे। आपको पता होगा कि बनाना हमारे लिए कितना ही अच्छा होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ मैंने दो केले लिए हुए हैं। अब मैं इन केलों का छिलका उतार के इनको कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने केलों को कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स बारी है इसको फ्रीज करने की, क्योंकि इसको हम पहले ही फ्रीज करेंगे। मैंने यहाँ एयर टाइट डब्बा लिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप प्लास्टिक लगा के इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि इसमें बर्फ ना जमे। मैंने भी यहाँ एयर टाइट होने के बाद भी मैंने यहाँ प्लास्टिक लगा के इसको ढक्कन बंद कर दिया। अब इसके लिए इसको मैं रखूँगी 2 घंटे ठंडा होने के लिए ताकि हमारे केले जम जाए। तो देखिए फ्रेंड्स 2 घंटा हो गया है। अब मैं देखिए इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना जम चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आइसिंग हो चुकी है, आप छूके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे केले जम चुके हैं। तो अब करना है हमें एक जार लेना है, उसमें मैंने अपने केले डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच शहद डालूंगी। केले तो वैसे भी मीठे होते हैं लेकिन फिर भी मैं इसमें शहद डाल रही हूँ ताकि इसकी मिठास बहुत अच्छी रहे। तो मैंने इसमें डाल दिए शहद। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 चम्मच फ्रेश क्रीम। आपके पास अगर मार्केट वाली क्रीम है या अमूल वाली क्रीम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम यूज़ की है और उसको मैंने कर लिया है ब्लेंड। तो आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये हमारी बनाना आइसक्रीम बन चुकी है, क्योंकि हमने केले को पहले ही जमा लिया था तो इसलिए मैंने इसको दोबारा आइसिंग नहीं की है। अगर आपको करना है तो आप इसको और भी ज़्यादा जमा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।